समाजवादी पार्टी से दिबियापुर से विधायक प्रदीप यादव भी बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं। सर, क्या कुछ बैठक का एजेंडा होगा, क्या बताया गया है आप लोगों को, अखिलेश जी ने बुलाया है आज? बैठक का एजेंडा तो जब अंदर जाएंगे तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे, जो एजेंडा होगा उस पर होगा विचार विमर्श। नहीं, निकाय चुनाव की जैसी शिकस्त हासिल हुई आप लोगों को, ये देखा गया कि कई आरोप भी लगाए आप लोगों ने, बेईमानी कर लिया, प्रशासन का दुरुपयोग किया, इस तरह की बातें क्या वहाँ भी हुई? बहुत दुरुपयोग हुआ, हर जगह हुआ। हमारे यहाँ तो ये स्थिति हो गई कि इतना दबाव ऊपर से डाला गया, एक सीट है 800 और 800 टाउन एरिया में जबरदस्ती बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने का काम कर रहे थे, जबकि वहाँ निर्दलीय कैंडिडेट एक गुप्ता जी हैं 640 वोटों से जीत रहे थे, जबरदस्ती दोबारा काउंटिंग करा के 250 पे ले आए, फिर तिबारा काउंटिंग करा के 225 पे ले आए। आखिरी में जब देखा जनता अगर ज़्यादा विरोध कर रही है तब बमुश्किल उस व्यक्ति को प्रमाण पत्र दिया गया। तो सब जगह बेईमानी की गई, मैनपुरी में तो बेईमानी की गई। कैसे जीतेंगे आप लोग चुनाव फिर, 2024 भी लगा हुआ है, जब इतनी बेईमानी हो रही है आप लोगों के मुताबिक, तो चुनाव कैसे जीतेंगे फिर आने वाले टाइम में? अब अत तो रावण की भी नहीं रही है, तो कितने दिन बेईमानी करेंगे? जब जनता सड़कों पर निकलेगी विरोध करने, फिर बेईमानी अलग रखी रहेगी इनकी। यानी उम्मीदें हैं क्या आज MLC चुनाव को लेकर भी कुछ बातचीत हो रही है? हाँ, होगी अंदर MLC चुनाव को लेकर। तो ये तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदीप यादव जी हैं और वहाँ से चलकर आए हैं इटावा से यहाँ पर, और अन्य विधायक भी जो है वो यहाँ पर जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि सभी लोग जो है वो जा रहे हैं, और जाने के बाद अंदर एक बैठक का सिलसिला 11 बजे अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है, और सभी विधायक एक एक करके जो है वो अंदर जा रहे हैं। तो जाहिर है कि आज MLC चुनाव को लेकर फैसला होना है, चूँकि नामांकन का आखिरी दिन है, 3 बजे तक नामांकन होना है, तो नामांकन प्रक्रिया भी आज होगी, टिकट भी घोषित होंगे, और समाजवादी पार्टी की ओर से भी आज ये काम किया जाएगा, और साथ ही साथ निकाय चुनाव में मिली शिकस्त को लेकर भी बात होगी, 2024 को लेकर भी एजेंडा तैयार किया जाएगा। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।